हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ मानसी अरोरा फ्रॉम एसटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस की काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन है ऑल ओवर द कंट्री, तो उसके चलते तो हम आपको यही कहेंगे घर रहिए, अवेयर रहिए। लेकिन एक जो हमारी पढ़ाई का लॉस हो रहा है उसके लिए भी हमने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया एसटी कॉलेज ऑफ कॉमर्स ने ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड करने का, तो थोड़ा सा हम उसके थ्रू अपनी स्टडीज के टच में रहते हैं। तो अब मैं अपना पहला टॉपिक यहाँ पे जो जितना हमने किया था उसके बाद जो मेरा टॉपिक है वो स्टार्ट करती हूँ, प्रोडक्शन फंक्शन। हम अब स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक प्रोडक्शन फंक्शन। जैसा स्टूडेंट्स आपको पता ही है प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, जब हम इनपुट को आउटपुट में चेंज करते हैं, मतलब किसी भी इनपुट के थ्रू जब हम यूटिलिटी क्रिएट करते हैं इज नोन एज प्रोडक्शन। और जो उनके बीच का एक फंक्शनल रिलेशनशिप है इनपुट और आउटपुट के बीच का, उसको हम बोलेंगे कि वो जब एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जो क्वांटिटीज ऑफ इनपुट हैं और टेक्नोलॉजीज हैं उनके थ्रू जो एक प्रोडक्शन, एक प्रोड्यूस, एक जो प्रोडक्ट है उसको प्रोड्यूस करता है इज नोन एज प्रोडक्शन फंक्शन। एक सिंपल अगर हम लैंग्वेज में इसको अल्जेब्रिकली डिफाइन करें तो ये ऐसे कर सकते हैं, वेयर क्यू इज इक्वल टू प्रोडक्शन फंक्शन, एफ फंक्शनल रिलेशनशिप जो है इनपुट और आउटपुट के बीच का। ठीक है, ये तो हमारा हो गया एक इन कॉमन लैंग्वेज, इन कॉमन सेंस जो हम एक इसको डिफाइन कर सकते हैं। और जो हमारे फैक्टर्स होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन बनाने के, वो हर किसी को ही पता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और इसके अगेंस्ट जो इनको रिवॉर्ड मिलता है, लैंड को क्या रेंट, इसके अगेंस्ट जो रिवॉर्ड मिलता है, लेबर के अगेंस्ट वेजेस और सैलरीज मिलती हैं, कैपिटल के अगेंस्ट हमें इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। अब अगर हम इसी प्रोडक्शन फंक्शन को मैनेजरियल कंसेप्ट से देखें तो इसमें दो जो आस्पेक्ट्स हैं, दो चीज़ों पर डिटरमाइन होता है द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल, जो एक टेक्निकल नॉलेज है और मैनेजरियल एबिलिटी है, जब उसके थ्रू हम न्यू कॉम्बिनेशंस क्रिएट करके प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं तो वो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन आ जाता है। और अगर हम इसको एल्जेब्रिकली, अगर हम फिर उस चीज़ को एल्जेब्रिकली एक्सप्रेस करेंगे तो कैसे करेंगे, एक्स इज इक्वल टू एफ ए बी सी डी एन टी, वेयर एक्स, एक्स क्या हुआ, एक्स इज इक्वल टू आउटपुट ऑफ गुड्स, मतलब ये हमारा प्रोडक्शन हो गया, एंड पर यूनिट ऑफ टाइम, यहाँ पे हम टेक्निकल वे में जो इसकी बात कर रहे हैं, एफ हो गया टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप। सिंपल लैंग्वेज में फंक्शनल रिलेशनशिप जो होता है इनपुट और आउटपुट के बीच में, और अगर हम एक अलग सेंस में देखेंगे, मैनेजरियल सेंस में देखेंगे, तो आउटपुट ऑफ गुड्स और टेक्नोलॉजिकल जो एक रिलेशनशिप होता है इनके बीच में, कॉम्बिनेशंस क्रिएट करता है डिफरेंट, और एक जो मैक्सिमम हम एक स्पेसिफाई मैक्सिमम क्वांटिटी को जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं गिविन पीरियड में और विद गिविन क्वांटिटीज ऑफ आउटपुट, जो हमारी क्वांटिटीज हमें इनपुट्स की दी हुई है, जो हमारे पास टेक्नोलॉजी है उसमें हम कैसे कॉम्बिनेशंस को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे चेंजेस कर सकते हैं अपने फैक्टर्स में कि हम मैक्सिमम आउटपुट को प्रोड्यूस कर सकें। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप हो गया, ए इज इक्वल टू लैंड सेम, बी इज इक्वल टू लेबर, C इज इक्वल टू कैपिटल, D इज इक्वल टू एंटरप्रेन्योर, ये हमारा एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, और T इज इक्वल टू टेक्नोलॉजी, T है हमारी टेक्नोलॉजी। फाइन, प्रोडक्शन फंक्शन सेंटर्ड करता है द स्टेट ऑफ टेक्निकल नॉलेज एंड मैनेजरियल एबिलिटी, ये हमारा यहाँ पे मीनिंग इसका कंप्लीट हुआ। अब हमारे आते हैं कंसेप्ट्स, व्हाट आर द कंसेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। कंसेप्ट्स क्या होते हैं प्रोडक्शन फंक्शन के, थ्री कंसेप्ट्स होते हैं। नंबर वन इज टोटल प्रोडक्शन, नंबर टू इज एवरेज प्रोडक्शन, एंड नंबर थ्री इज मार्जिनल प्रोडक्शन।
इसको हम टोटल फिजिकल प्रोडक्शन भी कहते हैं, टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, टोटल एवरेज प्रोडक्टिविटी, ठीक है, और फिजिकल मार्जिनल प्रोडक्टिविटी. दिस इज टीपी, टोटल फिजिकल प्रोडक्टिविटी, जो हमारा टोटल प्रोडक्शन. टोटल प्रोडक्शन सबको पता है, सम टोटल होता है ऑल आउटपुट्स का, जितने हमने प्रोड्यूस किया है, जितना प्रोडक्शन हमारा हुआ है इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज टोटल प्रोडक्शन. तो टीपी को हम एपी इंटू क्यूएल, वेयर क्यूएल क्या है यहां पर हमारा, क्वांटिटी ऑफ लेबर, क्वांटिटी ऑफ लेबर है. दिस इज द फॉर्मूला फॉर टोटल प्रोडक्शन. एवरेज प्रोडक्शन जितना भी होगा उससे क्वांटिटी को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा टोटल प्रोडक्शन आ जाएगा. नाउ नेक्स्ट इज एवरेज प्रोडक्शन. एवरेज प्रोडक्शन क्या होता है, आउटपुट प्रोड्यूस्ड हुआ पर यूनिट ऑफ लेबर, एक लेबर ने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया, मतलब एक लेबर ने कितना काम किया. तो सिंपल है, एपी इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्शन अपॉन क्यूएल, एक लेबर ने कितना काम किया, ये हमारा आ गया एवरेज प्रोडक्शन. थर्ड आता है हमारा मार्जिनल, मार्जिनल प्रोडक्शन. मार्जिनल प्रोडक्शन ये एक चेंज होता है, एक टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज आया एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन क्वांटिटी ऑफ लेबर. अगर हमें क्वांटिटी ऑफ किसी भी, मतलब हम कहते हैं ना वेरिएबल फैक्टर, कोई भी चेंज किया तो हमारे टोटल प्रोडक्शन में कितना चेंज आया, ये रिजल्ट जो होता है, जो चेंज आया इन टोटल प्रोडक्शन बाय चेंज इन क्वांटिटी ऑफ लेबर, लेबर के चेंज करने से कितना हमारा जो चेंज आया, तो इसको हम सिंपल एम पी इज इक्वल टू डेल्टा टी पी अपॉन QL. ये चेंज इन टोटल प्रोडक्शन, चेंज इन क्वांटिटी ऑफ लेबर, ये ऐसे भी निकलता है और कई सेंस में इसको हम, ये भी इसका फॉर्मूला है MP इज इक्वल टू TP n माइनस वन. ये हुआ हमारा कि अभी अभी हमारा कितना TP है और एक साल पहले, एक साल पहले हमारा कितना TP था, अभी और पहले हमारा कितना टीपी था, उसके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज मार्जिनल प्रोडक्शन. अब तीसरी चीज, ये हमारा हो गया, हमारे कंसेप्ट हो गए, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गया, मीनिंग हो गया. थर्ड मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है इसमें टाइम, जिसका टाइम कंसेप्ट है. अब ये है, एक तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन होता है और एक होता है लॉन्ग रन. शॉर्ट रन लॉन्ग रन में हम शायद, हमने बीकॉम में पढ़ा हो तो आप लोगों को याद हो, वैसे तो हम पढ़ते ही हैं कि शॉर्ट रन में क्या होता है, ओनली वन वेरिएबल फैक्टर चेंजेबल होता है, एक वेरिएबल फैक्टर, और उसको हम लेबर ही लेते हैं, मतलब वेरिएबल फैक्टर बोलते हैं लेकिन वो वेरिएबल फैक्टर जो होता है लेबर ही होता है. और जो लॉन्ग रन होता है वहां पे ऑल फैक्टर्स आर, जितने भी फैक्टर्स हैं सब चेंज हो सकते हैं, वेदर दे आर फिक्स्ड और जितने भी. ये कम पीरियड के लिए होता है, 4-6 मंथ के लिए, विद इन वन ईयर के लिए शॉर्ट टर्म जो प्रोडक्शन फंक्शन है उसको हम देखते हैं. इसका हम लिखते हैं रिटर्न्स टू अ फैक्टर, यहाँ पे आता है रिटर्न टू अ फैक्टर, एक फैक्टर, रिटर्न टू अ फैक्टर, ये वाला लॉ हम इसमें पढ़ते हैं, रिटर्न टू अ फैक्टर. यहाँ पे हम पढ़ेंगे रिटर्न्स टू द स्केल, पूरे के पूरे स्केल में चेंज होके क्या चेंजेस होंगे, ठीक है. अभी हमारा रिटर्न टू, इसको हम रिटर्न टू अ फैक्टर कहेंगे, मतलब एक फैक्टर के चेंज होने से टोटल प्रोडक्शन पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है. और रिटर्न टू द स्केल कि सारे फैक्टर्स के चेंज होने से हमारे टोटल प्रोडक्शन में क्या फर्क पड़ता है, इन दोनों में हम ये चीज पढ़ते हैं. अब हम सबसे पहले फर्स्ट शॉर्ट टर्म फंक्शन पढ़ते हैं, शॉर्ट प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ते हैं. नंबर वन, रिटर्न्स टू अ फैक्टर. अगेन रिटर्न टू अ फैक्टर में, इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं कि एक एक जो टोटल प्रोडक्शन के में क्या चेंजेस होते हैं एक यूनिट के चेंज होने से, लेबर के, वो यूनिट क्या होती है दैट इज लेबर, लेबर के चेंज होने से हमारे प्रोडक्शन में क्या क्या चेंजेस होते हैं. एक तो इसमें थ्री टाइप्स के लॉ, तीन तरह के हम जो लॉ हैं वो पढ़ते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स
एंड कॉन्स्टेंट रिटर्न.